ये अल बल बयान देते रहते हैं, कभी मनुस्मृति पे, कभी रामचरितमानस पे। आज बिहार का अस्मिता पे सवाल उठाया गया है, यह बर्दाश्त से बाहर है, यह शिक्षा मंत्री लायक नहीं है। नीतीश कुमार जी को मैं बताना चाहता हूँ, डोमिसाइल नीति 72 घंटे के अंदर वापस होनी चाहिए, और नहीं तो हम लोग पटना में पाट देंगे, हिटलर शाही नहीं चलेगी यहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। कैबिनेट के बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई शिक्षक नियमावली में फिर से संशोधन किए और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो डोमिसाइल नीति है वो अब खत्म किया गया है, यानी कि बिहार के साथ साथ अलग स्टेट के भी जो छात्र हैं वो शिक्षक भर्ती में अपना फॉर्म भर सकते हैं। और वहीं बात करें तो शिक्षा मंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं चंद्रशेखर सिंह कि जो नियमावली में बदलाव किया गया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि गुणवत्ता टीचर आएंगे और कई जो स्ट्रीम में सीटें हैं वो खाली रह जाते हैं, जैसे में साइंस और मैथ। तो ऐसे में साफ तौर पर सवाल उठा रहे हैं शिक्षा मंत्री और जो अभ्यर्थियों पर सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में ऐसी एबिलिटी का कोई छात्र नहीं है। इसी में हमारे साथ हैं एसटीएट के जो मेरिट अभ्यर्थी हैं अभिषेक झा, उनसे बात करते हैं कि क्या आप लोग में एबिलिटी नहीं है। शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि गुणवत्ता शिक्षा खाएंगे, इसलिए इस तरह का संशोधन किया गया है। देखिए, शिक्षा मंत्री जी दिमाग से दिवालिया घोषित हो चुके हैं। बिहार वो धरती है, बिहार वो धरती है जहां महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ, बिहार वो धरती है जहां गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, बिहार वो धरती है जिसने शून्य का आविष्कार किया, और बिहार वो धरती है जो चाणक्य जन्म लिए, बिहार वो धरती है जो यूपीएससी टॉपर में आते हैं। और ये शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि यहाँ के शिक्षक अभ्यर्थी योग्य नहीं है, इसलिए पूरे देश से बुलाया जा रहा है। मैं इनको बता देना चाहता हूँ, इनको काके जाने की जरूरत है, इनको समुचित शर्तिया इलाज की जरूरत है, क्योंकि इनके बिना शर्तिया इलाज के लिए ये अल बल बयान देते रहते हैं, कभी मनुस्मृति पे, कभी रामचरितमानस पे। आज बिहार का अस्मिता पे सवाल उठाया गया है, यह बर्दाश्त से बाहर है, यह शिक्षा मंत्री लायक नहीं है। नीतीश कुमार जी को मैं बताना चाहता हूँ, डोमिसाइल नीति 72 घंटे के अंदर वापस होनी चाहिए, और नहीं तो हम लोग पटना में पाट देंगे, हिटलर शाही नहीं चलेगी यहाँ पे, हिटलर शाही नहीं चलेगी। और शिक्षा मंत्री जी होश में बयान दीजिए, आप शिक्षा मंत्री लायक नहीं, आपको पशुपालन मंत्री में जाना चाहिए, और जल्द से जल्द इनको पशुपालन मंत्री में भेजा जाए, ये शिक्षा मंत्री लायक नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि इंग्लिश पढ़ाने वाले बिहार में ऐसे कोई नहीं है, इसलिए ये जो नियमावली है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अब जो बिहार के अलग अलग राज्य में होंगे वो अच्छे छात्र हैं, इसलिए इस तरह की नियमावली बिल्कुल सही है। तो आप लोग पर तो सवाल उठ रहा है, आप लोग तो मेरिट अभ्यर्थी हैं, फिर भी आप लोग सड़क पर हैं और कह रहे हैं कि आप लोग में गुणवत्ता नहीं है, इसलिए इस लाइव डिबेट में आएंगे, इंग्लिश में आएंगे शिक्षा मंत्री लाइव डिबेट हमसे बात करेंगे। मैं आज तक किसी को नहीं बताता था कि मैं सिर्फ एसटीईटी 19 मेरिट बताता था, लेकिन बता देना चाहता हूँ, मैं 2 बार जेआरएफ, 5 बार नेट, पीएचडी हूँ, अब क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इससे ज्यादा क्वालिफिकेशन। मैं शिक्षा मंत्री से ज्यादा क्वालिफाइड हूँ, ज्यादा हूँ, उनसे ज्यादा डिग्री मेरे पास है, और फेक डिग्री नहीं है हमारा, हमारा टैलेंट का लिया हुआ, पटना यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ, इससे बड़ा क्या डिग्री चाहिए। गलत बयान से बचिए, आपको शिक्षा मंत्री लायक नहीं है, आपको जल्द से जल्द शर्तिया इलाज के लिए हम लोग कांके भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी कह रहे हैं बार बार आप अहंकार में हैं और पीएम बनने का सपना देख रहे हैं कि पूरे देश से हम आवेदन लेंगे और बिहार का बच्चा मजदूर बनने जाएगा दूसरे राज्य में, तो हम इसका विरोध करते हैं। पूरे शिक्षक समाज आ गए हैं मैदान में, और 72 घंटा का अल्टीमेटम दे रहे हैं आप लोगों को, या जो बिहार के बच्चे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बिहार के गरीब के बच्चे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि उनके हक को मार के तमिलनाडु, राजस्थान के बच्चे को, कर्नाटक के बच्चों को दिया जाएगा, हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। 14 राज्य आरक्षण नीति लागू की चुकी है, 15वां राज्य बिहार था, तो हमारा राज्य में क्या आवश्यकता पड़ गया कि बिहार में आरक्षण तोड़ के, एक ही आवश्यकता पड़ गया कि पीएम का सपना मैं प्यून नहीं बनने दूंगा, बिहार के जनता प्यून नहीं बनने देंगे किसी भी सूरत में। चलिए, तो आप सुन रहे थे एसटीएट के जो मेरिट अभ्यर्थी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो शिक्षा मंत्री इस तरह के बयान दे रहे हैं उन्हें इस बयान से बचना चाहिए। आप लाइव डिबेट में बैठिए, जो आप बोल रहे हैं कि गुणवत्ता छात्र नहीं है, इंग्लिश का टीचर यहाँ पर नहीं है, तो आप लाइव डिबेट में बैठिए और हमसे डिबेट कर लीजिए कि कितने इंग्लिश की आपकी ज़रूरत है। तमाम खबरों को न्यूज़ 4 नेशन के साथ, नमस्कार।